बात त्योहारी सीजन की करते हैं तो दीपावली त्योहार को लेकर बाजार में खरीदारी करने वालों की रौनक देखी जा रही है। घरों को सजाने के लिए सजावटी स्टूल से महिलाएं सामग्री खरीद रही है। धनतेरस पर व्यापारियों को उम्मीद है कि अच्छा कारोबार होगा। कोरोना में पहली बार कोई ऐसा त्यौहार आया है जिस पर बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। 14 नवंबर पर रोशनी का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना के चलते इस बार आतिशबाजी करने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में दीपों से घरों को सजाया जाएगा, साथ ही सजावटी आइटम की बिक्री इन दिनों बाजार में काफ़ी बढ़ गई है। शहर के प्रमुख बापू बाजार, जीणी रेत, मंडी की नाल में महिलाएं सजावटी सामान के अलावा मिट्टी के दिए खरीदारी करने आ रही है। आकर्षक रेडीमेड रंगोली पसंद की जा रही है। बंधनवार और लटकर की भी खूब डिमांड है। इसके साथ ही दीपावली को लेकर बाजार में उत्साह देखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, सोना चांदी, बर्तन, कपड़े, मोबाइल की शॉप पर अलग अलग ऑफर के जरिए ग्राहकों को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार धनतेरस पर बाजार में कोरोना की मार के बाद पहली बार उठाव देखने को मिलेगा। अलसीगढ़ निवासी एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक धनराज मीणा गाड़ी चलाता था, जो 2 नवंबर को बेहोशी की हालत में डाकर कोटड़ा क्षेत्र में मिला था। इस पर आगेरों की सूचना पर पुलिस ने उसे MB अस्पताल में भर्ती करवाया, परिजनों को सूचना दी, जिसकी मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। धनराज मीणा की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अस्पताल परिसर में ही हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर पुलिस ने परिजनों से समझाइश की, उनकी रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया और फिर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। हत्या की आशंका जताई गई है तो मृतक की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और जिस दिन बेहोशी की हालत में वो मिला था उस दिन उससे कौन कौन संपर्क में आया है उन लोगों को टटोला जा रहा है।